इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटी कौन कौन सी है, वो भी जुलाई के महीने में, यानी कि पिछले महीने। आज मैं आपको सिर्फ स्कूटी की सेल्स बताऊंगा, बाइकों की नहीं, सिर्फ स्कूटियों की। जानते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट से आपको पता लग जाएगा कि नंबर वन स्कूटी कौन सी है सबसे ज्यादा बिकने वाली। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। TVS Pep Plus, ये 10वें नंबर पर आई है और जुलाई के महीने में 10,210 यूनिट बिकी है, यानी कि पीसीज बिके हैं पूरे इंडिया में इसके। ये एक 88 cc की स्कूटी है जो कि आसानी से 5.43 PS और 6.5 Nm टॉर्क जनरेट कर देती है। इसका माइलेज है 65 km/h का। और इसके कुछ बेहतरीन फीचर्स की बात करें तो वो है, इसमें आपको LED DRL, हेलोजन हेडलैम्प, बल्ब टाइप टेल लैम्प मिलते हैं। और स्कूटी की एक शोरूम कीमत है, वो भी दिल्ली के हिसाब से 51,562 रुपये से लेकर 53,754 रुपये तक की। फिर आया यामा फसिनो की जुलाई के महीने में 11,584 यूनिट बिकी है। ये एक 125 cc की स्कूटी है जिसमें 8.2 PS और 9.7 Nm टॉर्क जनरेट करती है। इसका माइलेज है 58 km/h का। इस स्कूटी में आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, इसमें डिस्क और ड्रम दोनों ब्रेक मिलते हैं। स्कूटी की एक शोरूम कीमत है 67,230 रुपये से लेकर 70,730 रुपये तक की। यामा रे ZR 125 की जुलाई के महीने में 12,032 यूनिट बिकी है। ये एक 125 cc की स्कूटी है जिसकी पावर है 8.2 PS की और 9.7 Nm का टॉर्क है। इसका माइलेज है 66 km/h का। इस स्कूटी में आपको स्मार्ट मोटर जनरेटर SMG मिलता है जो कि इसके इंजन के साउंड को कम कर देता है, और जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके साउंड काफ़ी कम आते हैं। स्कूटी की कीमत है 67,530 रुपये से लेकर 71,530 रुपये तक की। हीरो डेस्टनी की जुलाई के महीने में 13,184 यूनिट बिकी है। ये एक 124.6 cc की स्कूटी है जो कि 9.1 PS और 10.4 Nm टॉर्क जनरेट करती है। इसका माइलेज है 50 km/h का। इस स्कूटी में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, बेस और दूसरा टॉप। स्कूटी की कीमत है 65,810 की और दूसरे वाले की 68,600 रुपये की। फिर आई हीरो प्लेजर प्लस, ये 6ठे नंबर पर आई है बिकने में और जुलाई के महीने में 16,290 यूनिट बिकी है इस स्कूटी की। ये 110.9 cc की स्कूटी है जिसकी पावर 8.1 PS की और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसका माइलेज है 69 km/h का, यानी 1 लीटर पेट्रोल में ये 69 km तक चल सकती है। इस स्कूटी में आपको ड्यूल टेक्सचर सीट, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस और USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, वो भी स्टैंडर्ड वेरिएंट में। स्कूटी की कीमत है 56,100 रुपये से लेकर 58,100 रुपये तक की। पांचवें नंबर पर आया है TVS Ntorq। Ntorq की जुलाई के महीने में 16,404 यूनिट बिकी है। ये एक 124.8 cc की स्कूटी है जिसकी पावर है 9.38 PS की और 10.5 Nm का टॉर्क है। इसका माइलेज है 55 से लेकर 60 km/h के बीच में। स्कूटी में आपको ऑल डिजिटल कंज्यूल इक्विप्ड विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सिस्टम मिलता है। स्कूटी की एक शोरूम कीमत 66,885 रुपये से लेकर 73,365 रुपये तक की। फिर आया सुजुकी एक्सिस। एक्सिस की जुलाई के महीने में 23,171 यूनिट बिकी है जो कि इतनी बिकने के बाद इसे 4ठे नंबर पर लाई है। ये एक 124 cc की स्कूटी है जिसकी पावर 8.7 PS की और 10 Nm का टॉर्क है। इसका माइलेज है 52 km/h का। स्कूटी में ड्रम और डिस्क ब्रेक दोनों का ऑप्शन मिलता है और कीमत है 68,800 रुपये से लेकर 73,400 रुपये तक की। फिर आया होंडा डियो की जुलाई के महीने में 37,223 यूनिट बिकी है। ये एक 109.2 cc की स्कूटी है जिसकी पावर है 7.76 PS की और 9 Nm का टॉर्क है। इसका माइलेज है 50 km/h का।
स्कूटी में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है और कीमत है स्कूटी की 61,497 रुपए से लेकर 64,847 रुपए तक की। फिर आइए टीवीएस जुपिटर। जुपिटर की जुलाई के महीने में 48,995 यूनिट बिकी है। ये एक 109.7 सीसी की स्कूटी है जिसकी पावर है 7.99 पीएस की और 8.4 एनएम का टॉर्क है। इस स्कूटी का माइलेज है 60 केएमपीएल का। स्कूटी में काफी सारे वेरिएंट मिलते हैं और ये स्कूटी पॉपुलर भी है इंडिया में और कीमत है इसकी जो एक शोरूम कीमत है 62,062 रुपए से लेकर 68,562 रुपए तक की। ये दूसरे नंबर पर आई है। अब जानते हैं पहले नंबर पर कौन सी आई है। वो है होंडा एक्टिवा। एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटी है इंडिया में। ये स्कूटी इसी महीने ही नहीं बल्कि हर महीने सबसे ज्यादा बिकती है। इसकी जुलाई के महीने में 118,859 यूनिट बिकी है। ये एक 109.5 सीसी की स्कूटी है जिसकी पावर है 7.79 पीएस की और 8.79 एनएम का टॉर्क है। इसका माइलेज है 60 केएमपीएल का और कीमत है स्कूटी की 65,419 रुपए से लेकर 66,919 रुपए तक की। तो ये वो 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर हैं, वो भी जुलाई के महीने की सेल्स के हिसाब से। आपको पता लग गया होगा कि नंबर 1 कौन सी है, नंबर 2 कौन सी है और नंबर 10 पर कौन सी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको स्कूटी कौन सी बेस्ट लगती है।